सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले मिल सके। यहाँ पे पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल यहाँ पे लिखा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित आपका विंडोज विस्टा किस वर्ष में जारी किया गया था। यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है, इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाता है आपका सी वाला हो जाता है। तो विंडोज विस्टा आपका 2007 में जारी किया गया था। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो आपका माइक्रोसॉफ्ट का जो और भी विंडोज का जो सीरीज है वो किस वर्ष में जारी किया गया था, उसके बारे में यहाँ पे विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा विंडोज का पहले एक थंबनेल आ रहा होगा जिसपे लिखा होगा जनवरी टू दिसंबर 2018। सबसे पहले आपका हेडिंग पे लिखा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर विंडोज फर्स्ट वर्ष 1985 में जारी किया गया था। कि आप ध्यान दीजिएगा किस पे बेस है, आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे बेस है। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किसका फुल फॉर्म है, आपका GUI का फुल फॉर्म है। तो आपका जो पहला जो आपका लॉन्च किया गया था उसका नाम क्या था, विंडोज फर्स्ट था। और कब लॉन्च किया गया था, 1985 में जारी किया गया था। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आपका आ जाता है विंडोज 3.0, वो कब आया था, 1990 में आया था। उसके बाद आपका आ जाता है विंडोज 95, वो कब जारी किया गया था, 1995 में जारी किया गया था। अगला पॉइंट आता है आपका विंडोज 98, तो विंडोज 98 कब आया था आपका, 1998 में ईस्वी में आया था। अगला पॉइंट यहाँ पे आता है विंडोज यमी। यहाँ पे देखिए विंडोज यमी है, यमी का फुल फॉर्म क्या होता है भी पूछता है। तो विंडोज यमी का जो फुल फॉर्म हो जाएगा मिलेनियम एडिशन, इसका फुल फॉर्म यमी का हो जाएगा। ये कब आया था आपका, 2000 में आया था। उसके बाद आपका आया था विंडोज एक्सपी, वो कब आया था आपका, 2004 में आया था। उसके बाद आया था आपका विंडोज विस्टा, वो कब आया था आपका, 2007 में आया था, जो कि आपका क्वेश्चन था। उसके बाद आपका आया विंडोज 7, वो कब आया आपका, 2009 में आया। उसके बाद आपका आया था विंडोज 8, वो कब आया आपका, 2012 में आया। उसके बाद अब आपका आ जाता है विंडोज 10, तो कब आया था आपका, 2015 में आया। तो आप ये सारे सीरीज आप यार ध्यान दीजिएगा कब आया था ये भी ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। दूसरा यहाँ पे सवाल दिया गया है कि विंडोज प्रोग्राम में फाइल नाम कितने कैरेक्टर तक हो सकता है। जो भी आपका फोल्डर होता है जो उसमें फाइल नाम आप देते हैं, जो नेम देते हैं, वो कितने कैरेक्टर तक आपका हो सकता है। यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है, इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाता है आपका क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। तो कितने कैरेक्टर आपके हो सकते हैं आपके फाइल नाम में, तो आपके कितने हो सकते हैं, 255 कैरेक्टर हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा आपके फाइल नेम से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको भी इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा वीडियो को पे एक थंबनेल आ रहा होगा जिस पे लिखा होगा जनवरी टू दिसंबर 2018। सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा गया है विंडोज प्रोग्राम में फाइल नाम आपके 255 कैरेक्टर तक हो सकते हैं, उससे अधिक आपके नहीं हो सकते। अगला यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है फाइल नाम में कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। देखिएगा आपको जो कुछ विशेष आपके जो चिन्ह है यहाँ पे आपको हेडिंग करके यहाँ पे लिखा गया है, आपको जो पीले कलर में यहाँ पे दिख रहा है ये आप ये जो सिंबल है इसको आप ध्यान दीजिएगा, इस सिंबल से आप अपने फाइल नाम में यूज नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि फाइल नाम में दो भाग होते हैं, पर लिखा गया है पहला भाग आपका फाइल का नाम होता है जो उपयोगकर्ता द्वारा दिया जाता है, दूसरा भाग आपका क्या कहलाता है, फाइल एक्सटेंशन कहलाता है। बहुत बार पूछता है कि आपका एक्सटेंशन क्या है, तो उसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिएगा स्टार अतुल के बीच में आपका स्पेस है, तो आप भी ध्यान दीजिएगा स्पेस या कुछ भी आप यूज कर सकते हैं अपने फाइल नाम में, सिवाय इन कैरेक्टर के जो आपको पीले कलर में दिख रहा है, इन कैरेक्टर को आपको छोड़कर बाकी आप सभी चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका जो देखिए जो आपका डॉट का जो पहले है वो क्या आपका होता है, फाइल नाम होता है। जो डॉट के बाद में है वो क्या कहलाता है, आपका फाइल एक्सटेंशन कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं कुछ एक्सटेंशन लिख दिया हूँ जो आपके क्वेश्चन जहां से रिपीट हुए हैं। यहाँ पे देखिएगा मैं यहाँ पे कुछ एक्सटेंशन के बारे में यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो जैसे आपका पहला एक्सटेंशन है आपका डॉट exe है, ये किस फाइल का है, आपका एक्साइटेबल फाइल का है। अगला यहाँ पे एक्सटेंशन जो आपका है डॉट dat, ये किसका आपका है, डाटा फाइल का है। अगला जो आपका है डॉट hlp, ये किसका आपका आपका एक्सटेंशन है, हेल्प फाइल का। अगला यहाँ पे आपका आ जाता है डॉट jpg, ये किसका आपका jpeg ग्राफिक्स फाइल का है। अब यहाँ पे देखिएगा jpeg है, तो jpeg का जो आपका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट आपका ग्रुप, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला जो आपका एक्सटेंशन है डॉट bak, ये किसका है, आपका बैकअप डाटा फाइल का एक्सटेंशन है। अब चलते हैं अगले पे। अगला लिखा गया है डॉट doc, ये किसका आपका वर्ल्ड डॉक्यूमेंट फाइल का है। अगला यहाँ पे लिखा गया है डॉट txt, ये किसका आपका टेक्स्ट फाइल का है।
अगला यहाँ पे दिया गया है .xls, एक इसका है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल का है। अगला यहाँ पे दिया गया है .bas, एक इसका है आपका बेसिक प्रोग्राम फाइल का है। अगला यहाँ पे दिया गया है .wav, एक इसका आपके साउंड फाइल का है या वेब फाइल का है। आप इन्हें सारे आप एक्सटेंशन ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत सारे एक्सटेंशन आपको रिपीट मिलेंगे। और चलते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे तीसरा नंबर आपका सवाल देखते हैं, लिखा गया स्टार्ट मेनू विंडोज के किस भाग में पाया जाता है। यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है, इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाता है आपका वी वाला हो जाता है। तो ये स्टार्ट मेनू विंडोज के आपके टास्क बार पे पाया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं आपका टाइटल बार क्या होता है, टास्क बार क्या होता है, टूल बार क्या होता है, मेनू बार क्या होता है, तथा आपके लैपटॉप तथा आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे ये कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा वीडियो के ऊपर एक थंबनेल आ रहा होगा जिसपे लिखा होगा January to December 2018। सबसे पहला आपका यहाँ पे आया है टास्क बार। टास्क बार पे सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा गया है या विंडोज डेस्कटॉप के नीचे स्थित पतली पट्टी है, इस पर आपका स्टार्ट बटन, वर्तमान में चालू प्रत्येक प्रोग्राम के लिए एक बटन, घड़ी तथा कुछ अन्य शॉर्टकट आइकन रहते हैं। जो आपके लैपटॉप के स्क्रीन पे जो आपका सबसे नीचे वाली जो पट्टी होती है वो क्या कहलाती है, आपकी टास्क बार कहलाती है। और टास्क बार पे आप ध्यान दीजिएगा, आपको स्टार्ट मेनू होता है, वहां पे आपके नेटवर्क का सिंबल होता है, वहां पे आपके घड़ी का सिंबल होता है, आप उसको ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है टास्क बार का प्रयोग कर आप खुले हुए प्रोग्राम के एक विंडो से दूसरे विंडो में आसानी से जाया जा सकता है। यदि किसी विंडो को हम मिनिमाइज करते हैं तो वह डेस्कटॉप से हट जाता है परंतु आपके टास्क बार पर दिखाई देता है। तो आप एक कंफर्म कर लीजिएगा, आपको जो नीचे वाली पट्टी होती है वो टास्क बार कहलाती है। अब चलते हैं टाइटल बार पे। टाइटल बार पे सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है यह विंडोज के सबसे ऊपर स्थित पट्टी है, इस पर चालू प्रोग्राम का नाम लिखा रहता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है एक्टिव विंडो के टाइटल रंग का गहरा और जबकि आपका इनएक्टिव विंडो के टाइटल रंग का हल्का होता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है टाइटल बार के दाएं कोने पर विंडोज को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज तथा क्लोज करने के बटन होते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, टास्क बार और टाइटल बार को एक साथ इसलिए लिखा गया है जो आपके लैपटॉप स्क्रीन पे जो आपका सबसे नीचे वाली पट्टी होती है वो क्या कहलाती है, आपका टास्क बार कहलाती है, जबकि आपका स्क्रीन की जो सबसे ऊपर वाली जो पट्टी होती है वो क्या कहलाती है, आपको टाइटल बार कहलाती है। और टाइटल बार पे आपके दाएं साइड पे आपके तीन बटन होते हैं, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज और क्लोज के बटन होते हैं। अब इसको हम चित्र के द्वारा समझते हैं। अब यहाँ पे जो आपका अगला आता है आपका टूल बार। टूल बार में सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे पढ़ते हैं, विंडो के टाइटल बार के नीचे एक पतली पट्टी होती है जिस पर उस प्रोग्राम में अक्सर प्रयोग में लाई जाने वाली आदेशों का आइकन बना रहता है, इसे टूल बार कहते हैं। टूल बार के बटन या आइकन प्रोग्राम के अनुसार बदलते रहते हैं। टूल बार में बटनों को अपनी आवश्यकता अनुसार जोड़ा या हटाया जा सकता है। टूल बार और मेनी बार और स्टेटस बार को भी हम लोग चित्र द्वारा समझते हैं। सबसे पहले इसको पॉइंट को हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपका आ जाता है आपका मेनू बार। मेनू बार में सबसे पहला लिखा गया है टाइटल बार के नीचे एक पतली, सबसे पहले आपका क्या पाया जाएगा, आपका सबसे पहले आपका पाया जाता है टाइटल बार पाया जाता है, टाइटल बार के नीचे आपका मेनू बार पाया जाता है, मेनू बार के नीचे आपका टूल बार पाया जाता है। तो मेनू बार को यहाँ पे देखते हैं, टाइटल बार के नीचे एक पतली पट्टी होती है जिसमें कई प्रोग्राम, फाइल, विकल्प या आदेशों की सूची बनी होती है जिसमें किसी एक चयन करके उस कार्य को क्रियान्वित किया जा सकता है। मेनू बार के विकल्प प्रोग्राम के अनुसार बदलते रहते हैं। अगला पॉइंट आपका आ जाता है स्टेटस बार। स्टेटस बार आपका लिखा गया है यह टास्क बार के ठीक ऊपर स्थित होता है और डॉक्यूमेंट में पेज, सेक्शन, लाइन तथा कॉलम के हिसाब से कर्सर की स्थिति बताता है। जो आपके सबसे नीचे की पट्टी होती है वो क्या कहलाती है, आपका टास्क बार कहलाती है। टास्क बार के ऊपर एक आपका और पट्टी होती है वो क्या कहलाएगा, आपका स्टेटस बार कहलाता है। अब इसको हम यहाँ पे चित्र के द्वारा समझते हैं। अगला जो आपका बार आ जाता है आपका स्क्रॉल बार आ जाता है। स्क्रॉल बार में सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है अगर विंडोज में प्रदर्शित सूचना का आकार विंडो के आकार से बड़ा हो तो सूचना को ऊपर नीचे या दाएं बाएं करने के लिए इस स्क्रॉल बार का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है स्क्रॉल बार आपके दो तरह के होते हैं, पहला आपका ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार और दूसरा आपका दिया गया है क्षैतिज स्क्रॉल बार। ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार आपका वो होता है जिसमें सूचना को ऊपर नीचे खिसकाया जा सकता है, जबकि आपका जो क्षैतिज स्क्रॉल बार होता है इसमें सूचना को दाएं से बाएं खिसकाया जा सकता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है स्क्रॉल बार में एक आयताकार बॉक्स होता है जिसे एलिवेटर कहते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है इसे माउस द्वारा खींचकर सूचना को आगे पीछे किया जा सकता है।
अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि एलिवेटर के दोनों ओर तीर के चिन्ह जैसा एक वर्गाकार बॉक्स होता है जिसे इस स्क्रॉल बटन कहते हैं। अगला पॉइंट लिखा गया है कि इस पे इस प्रकार क्लिक कर सूचना को तीर की दिशा में किया जा सकता है। अब इसको भी स्क्रॉल बार को भी हम यहाँ पे चित्र के द्वारा समझते हैं। अब यहाँ पे चौथा नंबर आपका सवाल देखते हैं। चौथा नंबर आपको जो सवाल लिखा गया है, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू चुना जाता है। यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है, इनमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है आपका क्या हो जाता है, आपका फाइल मेनू हो जाता है। तो फाइल मेनू में आप जाकर वहां पे प्रिंट का ऑप्शन आप चुन सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं आपका फाइल मेनू कहाँ पे पाया जाता है, इसको भी हम यहाँ पे चित्र के द्वारा समझते हैं। यहाँ पे जैसे मैं आपको बताया था कि जो आपका लेफ्ट साइड में जो सबसे कॉर्नर पे जो आपका गोले आकार का होता है उसको आप दो नाम से जाना जाता है। एक नाम से आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन नाम से जाना जाता है, दूसरा नाम आपका फाइल मेनू नाम से जाना जाता है। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो आपको वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, जैसे आपको यहाँ पे थंबनेल दिख रहा होगा। वहाँ पे जैसे पहला ऑप्शन आपका दिखता है न्यू के बारे में, उसके बाद ओपन, फिर उसके बाद सेव, फिर सेव एज, फिर प्रिंट, फिर प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश और क्लोज का ऑप्शन दिखता है। तो आप ये सब ध्यान दीजिएगा, बहुत बार ऐसे पूछता है कि सेव एज का ऑप्शन आपको किस मेनू में दिखता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फाइल मेनू या तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन हो जाएगा। तो आप ये सारे ऑप्शन चेक करिएगा, आपको बहुत बार ये पूछा गया आपका न्यू बटन और सेव जो प्रिंट के बारे में बहुत बार पूछा गया है। आपका सवाल एक बार और पूछा गया है कि क्या प्रिंट प्रीव्यू करते समय हम उसको एडिट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जब आप प्रिंट को ऑप्शन जब आप क्लिक करते हैं तो आपको एक ऑप्शन दिखता है प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन दिखता है, वहां पर जाकर अगर आप उसमें देख सकते हैं कि आपका कैसा आपका प्रिंट आ रहा है कि कैसा नहीं आ रहा है, अगर आपको उसमें गलती आ रही तो आप उसमें जाकर वहां पे सुधार कर सकते हैं। वहां पे अब यहां पे देखिए इसका फुल आपका शॉर्टकट भी यहां पे देख लेते हैं। जो आपका ओपन का जो शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस ओ होता है, जबकि आपका जो सेव का जो शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एस होता है, जबकि आपका जो प्रिंट का जो शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस पी होता है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल यहाँ पे लिखा गया है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में प्रोग्रामों को दर्शाने के लिए छोटे छोटे तस्वीरों का प्रयोग किया जाता है या कहलाते हैं। यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है, इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाता है आपका बी वाला हो जाता है। तो क्या कहलाते हैं, आपके आइकॉन कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किसका फुल फॉर्म है, आपका जी यू आई का फुल फॉर्म है, और जी यू आई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अब यहाँ पे समझते हैं आपका टाइटल बार, टूल बार और जो आपका स्टेटस बार होता है, टास्क बार होता है, ये कहाँ पे पाया जाता है। जो सबसे ऊपर जो आपकी लाइन या पट्टी जो पाई जाती है वो क्या कहलाती है, आपकी टाइटल बार कहलाती है। यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट या फाइल का नाम लिखा होता है और आपके टाइटल बार पे आपका मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज के आपके चिन्ह बने होते हैं। उसके बाद आपका टाइटल बार के जस्ट नीचे आपका पाया जाता है टूल बार पाया जाता है। यहाँ पे आपके अंडू या रूडू को आपको ऑप्शन दिखेंगे, आप इसको आप डिफॉल्ट जो होता है आपको यहाँ पे आपके टाइटल बार के जस्ट नीचे पाया जाता है, बट आप इसको रिबन के नीचे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आपका जो मेनू बार होता है, यहाँ पे देखिएगा आपका जो होम टैब, इंसर्ट टैब, आपका पेज लेआउट टैब दिखा है। ये जो आपकी लाइन जो पट्टी है ये क्या कहलाती है, आपकी मेनू बार कहलाती है। उसके बाद देखिएगा आपका जो होम टैब है, होम टैब को जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन खुल रहे होंगे, तो यहाँ पे जो आपका सारे चीज है ये क्या कहलाएगा, आपका रिबन कहलाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा जो आपका एक गोले में आपका है, इसको किस बटन को आपको दो नाम से जाना जाता है, इसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन या फाइल मेनू के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिएगा मैं आपको बताया था स्क्रॉल के बारे में, स्क्रॉल बार के बारे में, तो स्क्रॉल बार में जो आपका ये बीच में जो होता है आपको उसको एलिवेटर बोलते हैं। उसके बाद जो आपका इस साइड में होता है आपको ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार बोलते हैं, जबकि आपका जो इस साइड में होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्षैतिज स्क्रॉल बार बोलते हैं। या और यहाँ पे देखिएगा आपका जो यहाँ पे भी आपका एलिवेटर पाया जाता है। उसके बाद मैं बताया था आपको जो सबसे नीचे जो आपकी पट्टी होती है वो क्या कहलाती है, आपकी टास्क बार कहलाती है, और टास्क बार पे आपका स्टार्ट मेनू और यहाँ पे आपके घड़ी का चिन्ह और यहाँ पे नेटवर्क का चिन्ह और बहुत सारे चिन्ह यहाँ पे आपको दिखेंगे। उसके बाद ऐसे ही आपका टास्क बार है, टास्क बार के ऊपर जो आपकी अगली पट्टी होती है वो क्या कहलाती है, आपकी स्टेटस बार कहलाती है। यहाँ पे छठा नंबर सवाल देखते हैं। एमएस एक्सेल एक प्रोग्राम है, आपके यहाँ पर बस चार ऑप्शन दिया गया है, इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। तो एमएस एक्सेल आपका क्या है, एक डाटाबेस प्रोग्राम है।
यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि आपका जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर है एक बंडल होता है, उस बंडल में आपके कौन कौन से प्रोग्राम शामिल होते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपका स्प्रेडशीट क्या होता है, वर्कबुक क्या होता है, डाटाबेस के बारे में हम कई बार यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक बार सिर्फ इसे डिस्कस कर लेते हैं कि डाटाबेस किसे कहा जाता है। तो डाटाबेस क्या होता है, कई फाइलों को संबंधित जो आपका फाइल होता है वो क्या कहलाता है, आपका डाटाबेस कहलाता है। अब यहाँ पे आपके डिस्कस करते हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर के जो बंडल की बात कर रहे हैं उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया जा रहा है। सबसे पहले देखिएगा वीडियो का पहले थंबनेल आ रहा होगा जिस पे लिखा होगा जनवरी टू दिसंबर 2018। सबसे पहले आपका हेडिंग पे लिखा गया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर एक बंडल पैकेज के रूप में आता है जिसमें चार मुख्य प्रोग्राम शामिल होते हैं। पहला आपका क्या शामिल होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आपके चार क्वेश्चन आपके इसी से बनते हैं। आपका जो पहला सवाल आपका ये बनता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस प्रोग्राम पे आधारित है या किस पे आधारित होता है। तो लिखा गया है यह एक विंडोज आधारित स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, तो लिखा गया है एमएस पावर पॉइंट या स्लाइडो के माध्यम से सूचना के प्रस्तुतिकरण का एक सशक्त प्रोग्राम है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में लिखा गया है एमएस एक्सेस ऑफिस का डाटा बेस प्रोग्राम है, जो आपका इस संबंध में सवाल आया था। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यह एक लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो आप चारों पॉइंट ध्यान दीजिएगा, किस पे बेस है इसको ध्यान जरूर दीजिएगा। अब देखिएगा आपको चलते हैं आपके वर्कशीट क्या कहलाता है आपका और स्प्रेडशीट क्या कहलाता है। तो सबसे पहले आप डिस्कस करते हैं आपका वर्कशीट के बारे में। तो देखिएगा सबसे पहला पॉइंट आपका वर्कशीट में लिखा गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर का कार्य स्थल है जो अनेक सेल्स का समूह है जहां डाटा रखा तथा प्रोसेस किया जाता है वो क्या कहलाता है आपका वर्कशीट या स्प्रेडशीट कहलाता है। अब यहां पे आपके दो नाम हो गए, आपके वर्कशीट या स्प्रेडशीट के आपके दो नाम हो गए, इसको दोनों को आप ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया आपका जो वर्कशीट होता है वो आपके रो तथा कॉलम में बटा रहता है। अगला पॉइंट आप देखते हैं, लिखा गया है कि एक्सेल वर्कशीट में रोज को संख्या 1, 2, 3 से पहचानते हैं जबकि आपका जो कॉलम होता है उसको अंग्रेजी के बड़े अक्षर ABC से पहचानते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है किसी भी सेल को रो तथा कॉलम को अगर हम कंबाइन करके अगर प्रदर्शित करें तो कैसे देखेंगे, A5 या B7 या C6 ऐसे करके हम उसको दर्शाते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि एक्सेल वर्कशीट में सक्रिय सेल वह होता है जहां हम अगली सूचना टाइप कर सकते हैं। सक्रिय सेल के चारों ओर एक गहरी काली रेखा द्वारा पहचाना जाता है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं आपका जो आपका वर्कबुक के बारे में। तो वर्कबुक के बारे में सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फाइल जहां डाटा एंटर तथा सेव किया जाता है वो क्या कहलाता है आपका वर्कबुक कहलाता है। वहां पे लिखा गया अगला पॉइंट वर्कबुक वास्तव में वर्कशीट का संग्रह होता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है यह वर्कबुक में आपके तीन वर्कशीट स्वतः आपके पाए जाते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आपका बना है कि आपके वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट कितने पेज होते हैं, तो कितने होते हैं आपके, आपके तीन होते हैं, जबकि आपके वर्कबुक में अनेक वर्कशीट रखे जा सकते हैं बट आपके जो बाय डिफॉल्ट होते हैं आपके कितना होता है, तीन होते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है वर्कशीट को वर्कबुक में एक पेज कहा जा सकता है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए हैं आपके बारे में रो और कॉलम के बारे में, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आपका जो आपका एक्सेल 2010 और एक्सेल 2007 है उसमें आपका जो मैक्सिमम रो होता है 10,48,576 होता है, जबकि आपका जो मैक्सिमम कॉलम होता है आपका 16,384 होता है, जबकि आपका एक्सेल 2003, एक्सेल 2002, एक्सेल 2000, एक्सेल 1997 में इसमें आपका जो मैक्सिमम रो होता है आपका 65,536 होता है, जबकि आपका मैक्सिमम जो कॉलम होता है आपका 256 होता है, जबकि आपका एक्सेल जो आपका 1995 वाला है उसमें आपका मैक्सिमम रो आपका 16,384 होता है, जबकि आपका मैक्सिमम कॉलम 256 होता है। तो आप मैक्सिमम रो और मैक्सिमम कॉलम को ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे।
यहाँ पे सातवां नंबर सवाल लिखा है, किसी भी दस्तावेज में प्रत्येक पृष्ठ के अंत में दिखने वाला टेक्स्ट क्या कहलाता है। यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है, इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। किसी भी दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में दिखने वाला टेक्स्ट क्या कहलाता है, आपका फुटनोट कहलाता है। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं आपका फुटनोट क्या होता है, एंड नोट क्या होता है, हेडर क्या होता है और फुटर क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पे विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिएगा वीडियो के ऊपर एक थंबनेल आ रहा होगा जिसमें लिखा होगा जनवरी टू दिसंबर 2018। सबसे पहले यहाँ पे चर्चा करते हैं आपके फुट नोट और एंड नोट के बारे में। सबसे पहले आपका फुट नोट लिखा गया है, किसी दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ के अंदर दिखने वाला टेक्स्ट क्या कहलाता है, आपका फुट नोट कहलाता है। जबकि आपका जो एंड नोट होता है, दस्तावेज के अंत में दिखने वाला टेक्स्ट आपका क्या कहलाता है, एंड नोट कहलाता है। देखिएगा दोनों में आपका डिफरेंस आपका ये है, जो आपका दस्तावेज होता है, जो दस्तावेज में आप जो आपका प्रत्येक पेज होता है, प्रत्येक पेज में जो आपका लास्ट में जो आपका टेक्स्ट दिखेगा वो क्या कहलाएगा, आपका फुट नोट कहलाएगा। जबकि अब जो पूरी तरह आपका जो फाइल है या जो डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के एकदम लास्ट में जो आपका टेक्स्ट दिखेगा वो क्या कहलाएगा, आपका एंड नोट कहलाता है। अब चलते हैं हेडर और फुटर पे। हेडर और फुटर में सबसे पहला आपका आता है हेडर। तो लिखा गया है, दस्तावेज के प्रत्येक पेज के ऊपर दिखाई देने वाला टेक्स्ट हेडर कहलाता है। जबकि अगर जो फुटर है, फुटर में लिखा गया है, प्रत्येक पृष्ठ के नीचे दिखाई देने वाला टेक्स्ट फुटर कहलाता है। तो आप ये चारों पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि आपका हेडर, फुटर और एंड नोट और आपका फुट नोट कहाँ पे पाया जाता है। सबसे पहले देखिएगा आपको यहाँ पे जो आपका है, आपका टाइटल बार है, टाइटल बार के नीचे आपका मेनू बार है। मेनू बार में देखिएगा आपका होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, इसी प्रकार का आपका टैब लिखा गया है। उसके बाद देखिएगा आपका जो इंसर्ट टैब है, जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके पास इतना सारे ऑप्शन आपको खुल जाते हैं। इंसर्ट टैब में जो आपका रिबन होता है उसमें देखिएगा, रिबन पे यहाँ पे राइट साइड पे आपको हेडर और फुटर का ऑप्शन दिख रहा है, तो आप यहां से जाकर आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। अगला यहां पे चलते हैं, अगला फुट नोट और एंड नोट के बारे में। यहाँ पे देखिए हम लोग हेडर और फुटर जाने के लिए हमको इंसर्ट में जाना पड़ा था, जबकि आपका एंड नोट और फुट नोट को जाने के पास हम लोग के लिए रेफरेंस के पास आपको जाना पड़ेगा। रेफरेंस टाइप को आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे आपको रिबन खुल जाएंगे। वहाँ पे देखिएगा आपको सेकंड नंबर पे यहाँ पे देखिएगा आपका फुट नोट लिखा गया है। जब आप इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास आपका एंड नोट का भी ऑप्शन दिख जाता है। यहाँ पे आपको दिखेगा आपको फुट नोट और एंड नोट का आपका दोनों का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे आठवां नंबर जो आपका सवाल है, लिखा गया है, किस केस की सहायता से छापे गए बड़े अक्षरों को छोटा और छापे गए छोटे अक्षरों को बड़ा करता है। यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाता आपका क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। तो टोगल जो आपका केस होता है उसकी सहायता से जो आपने जो आपके लेटर जो आप पे है आपको एक साथ उस लेटर को छोटे और एक साथ बड़े कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं जो आपके बहुत सारे आपके केस होते हैं, टोटल आपके पांच केस होते हैं, उस पांच केस के बारे में विस्तार से इस वीडियो में चर्चा किया जा रहा है। सबसे पहले देखिएगा वीडियो के ऊपर एक थंबनेल आ रहा होगा जिसपे लिखा हुआ जनवरी टू दिसंबर 2018। सबसे पहले आपका लिखा गया हेडिंग पे चेंज केस। चेंज केस में सबसे पहला आपका पॉइंट लिखा गया है, चेंज केस द्वारा टाइप किए गए शब्दों को छापे के बड़े या छोटे अक्षरों में आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता है। लिखा गया है इसमें पांच विकल्प उपलब्ध होते हैं आपके चेंज केस में। सबसे पहला आपका जो विकल्प होता है आपका सेंटेंस केस होता है। इसमें लिखा गया है प्रत्येक वाक्य प्रथम अक्षर को बड़ा हुआ अन्य अक्षरों को छोटा करता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है लोअर केस। लोअर केस में आपका क्या होता है, जितने भी आपके सभी अक्षरों को छोटा करता है, जबकि आपका जो अपर केस होता है सभी अक्षरों को बड़ा करता है। जबकि आपका जो टाइटल केस होता है इसमें क्या होता है, वाक्य में प्रथम शब्द को बड़ा करता है। अगला जो आपका पांचवा नंबर आ जाता है टोगल केस। टोगल केस में आपका क्या है कि छापे गए बड़े अक्षरों को छोटा करता है और छापे गए छोटे अक्षरों को बड़ा करता है। तो आप इस पांचों केस के बारे में ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे नौवां नंबर सवाल देखते हैं। नौवां नंबर यहाँ पे सवाल लिखा गया वाईफाई किसका पूर्ण अर्थ है। यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन दिया गया, इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाता है बी वाला हो जाएगा। वाईफाई का जो आपका फुल फॉर्म हो जाता है आपका वायरलेस फिडेलिटी इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा बाकी जो आपके जो तीन ऑप्शन दिए हैं वो भी किसी ना किसी के फुल फॉर्म है। जो आपका सबसे पहला दिया गया आपका ए वाला, वो आपका WAIS का फुल फॉर्म है और उसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वाइड एरिया इन्फॉर्मेशन सर्विस सर्वर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है जो आपका सी वाला,
है वो किसका फुल फॉर्म है, आपका WAP का फुल फॉर्म है। तो WAP का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म है। अगला यहाँ पे देखिएगा WiMAX का दिया गया, WiMAX का जो आपका फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड वाइड इंटरपोलेबिलिटी फॉर द माइक्रोवेव एक्सेस, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब चलते हैं लास्ट वीडियो क्वेश्चन पे, जो आपका लास्ट वीडियो में जो मैं आपको सवाल पूछा था उसके आंसर की तरफ। तो यहाँ पे देखिएगा लोगो लैंग्वेज इज यूज, लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे मैं आपको चार ऑप्शन दिया था, इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाता है आपका सी वाला हो जाता है। तो लोगो भाषा का प्रयोग आपके बच्चों के शिक्षा में किया जाता है। अब चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का जो सवाल है लिखा गया है फायरवॉल का मुख्य काम क्या है। यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है, इनमें से राइट आंसर क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइए। अनअकैडमी इंस्टाग्राम फेसबुक और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, साथ में आपको सारे वीडियो का पीडीएफ आपको एक साथ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। और साथ में जितने भी अनअकैडमी पे जितने भी वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपलोड किए गए हैं उसका भी लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल सकता है। चलिए तब तक के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।